दिवाली के दिन अपनियति देने वाली है बलि, वो भी दिव्यंका, ताकि वो पुनर्जन्म करवा सके अपने पति का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिधर एक तरफ अपनियति की एक बार फिर से साजिश नाकामयाब हो जाती है, दिव्यम एक बार फिर से बच जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाती है बाबा के पास और उसे वहाँ पर बाबा उसे बताते हैं कि तुम इसे पुनर्जीवित करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें नागमणि और दिव्यम दोनों की ही बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद वो ठान लेती है कि अब दिव्यम की बलि देगी ताकि उसका प्रेमी जीता हो।